नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की ऊर्जा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा। विभिन्न पंचायतों सम्मेलनों में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा। और लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह ने मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की दिलवाई शपथ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में विभिन्न घोषणाओं के क्रियान्वयन कार्य की प्रगति की जानकारी ली। विगत दिसंबर जनवरी माह में आयोजित हुए सम्मेलनों पंचायतों में हुई घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित समय सीमा में सभी का पालन अनिवार्यतः होना है। बैठक में बताया गया कि पंजीकृत मजदूर और किसानों की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान हो गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव बीपी सिंह सहित विभिन्न विभाग के प्रमुख सचिव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना में आगामी जून 2019 तक 5.5 लाख अस्थायी पंप कनेक्शनों को स्थायी पंप कनेक्शन में बदला जाएगा। अब तक 1,07,000 अस्थायी पंप कनेक्शनों को स्थायी में परिवर्तित किया जा चुका है। इस योजना पर 4,97 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में ग्रामीणी विद्युतीकरण के लिए 2,773 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई ऊर्जा विभाग की समीक्षा में दी गई। बैठक में ऊर्जा मंत्री पारस जैन भी उपस्थित थे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार नर्मदा जयंती 3 फरवरी पर होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक खांडेकर ने अनूपपुर, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, हरदा, देवास, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, डिंडौरी और खरगोन कलेक्टर से कहा है कि नर्मदा नदी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी घाटों पर नर्मदा जल से भरे विसर्जन कुंड और कचरा पेटी अनिवार्य रूप से रखवाएं। उधर जनसंपर्क मंत्री उत्तम मिश्रा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर नागरिकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस उल्लास का अवसर है। इस गणतंत्र दिवस पर प्रदेश में शासकीय कार्यक्रमों के साथ ही सामाजिक स्तर पर भी अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता सरकार के विकास के प्रयासों में भागीदारी कर रही है। गण और तंत्र के मध्य समन्वय, संवाद और सहयोग के ऐसे उदाहरण बहुत कम प्रांतों में देखने को मिलेंगे। इधर संस्कृति राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा की अध्यक्षता में स्वराज संस्थान में विक्रमोत्सव की रूपरेखा पर बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि विक्रमोत्सव की ख्याति अनुरूप अमृत महोत्सव समारोह राष्ट्रीय स्तर पर होगा। इसके लिए आयोजन की रूपरेखा इस प्रकार से बनाई जाए जिसमें पुरातात्विक और पर्यटन महत्व के क्षेत्र शामिल हों। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए EMS TV। नमस्कार। सविन्धु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विचक्षु पाप जात जात कारि वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्म वि त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे।